नेक्स्ट ये देखो, बहुत क्वेश्चन आसान आए थे, तीनों क्वेश्चन 2020 का आपको बहुत आसानी से कर सकते, एक्चुअली पेपर ही बहुत इजी था 2020 का। ये होलो मेटालिक स्पीयर है जिसका रेडियस आर यूनिफॉर्मली चार डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर हमारे पास एक स्पीयर है, चलो बना लिए, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार डिस्ट्रीब्यूट है, जनरली मैं प्लस ही दे देता हूँ क्योंकि प्लस ही मुझे अच्छा लगता है, और ये रेडियस आर है, सेंटर ओ है, बराबर है, ये मेटालिक स्पीयर है। इससे मतलब नहीं है कि ये होलो है कि सॉलिड है, क्योंकि जब मैं चार्ज दूंगा तो ओवरऑल चार्ज जो है वो कंडक्टर के सरफेस पे ही रहेगा, कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पे ही रहेगा, अंदर खाली है, भरा हुआ है, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, आर क्या है, एक डिस्टेंस है, जनरल डिस्टेंस है इस सेंटर से, वो यहाँ भी हो सकता है आर, वो सरफेस पे भी हो सकता है और वो बाहर भी आ सकता है, ये तीन पॉसिबिलिटी है आर की। तो इन सभी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर हमें फील्ड की प्रिडिक्शन करनी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आप डायरेक्ट रिजल्ट से भी कर सकते हो। आप सबको पता है कि अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन में जो फील्ड वर्सेज आर, अब मैं पॉजिटिव स्केलर में डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सेंटर से मैं जाता हूँ कहाँ जाऊँगा, इन्फिनिटी तक जाऊँगा, तो मुझे फील्ड कैसे वेरी करता है, जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है मेरे भाई, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज जीरो है, तो फील्ड भी क्या है, जीरो है, गॉस थ्योरम से। या नहीं तो आप लगा सकते हो कि इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, आप सबने ग्राफ बनाया होगा इसका, ये सरफेस पे जो फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, तो अंदर में तो फील्ड जीरो आ गया और बाहर में फील्ड वेरी करता है 1/r के स्क्वायर से। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिस इस क्वेश्चन को ना करके आया हो। मतलब देखो, फील्ड जीरो अप टू लेस देन आर, आर पे तो फील्ड जीरो, इस पॉइंट पे फील्ड जीरो नहीं होगा, सरफेस पे जीरो नहीं होगा यार, सरफेस पे तो मैक्सिमम होगा, लेस देन आर पे जीरो होगा और डिक्रीजेस एज आर इंक्रीमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो एट आर इंक्रीजेस, ये गलत है, जीरो एट आर इंक्रीजेज एंड लेस एंड इंक्रीजेज, ये तो बिल्कुल गलत है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज एज आर ये भी गलत है, इंक्रीज एज आर इंक्रीज ये भी गलत है, आर के बढ़ने से फील्ड थोड़ी बढ़ेगी। या नहीं तो अगर आप इसको एक्चुअल डेरिवेशन करना चाहते हो, अगर मान लो आपको कुछ नहीं आता ग्राफ वगैरह, तो आप इसको डिराइव कर लो गॉस थ्योरम से। चलो अगर मेरे पास ये स्पीयर है जिस पे चार्ज है, मुझे यहाँ पर फील्ड निकालना, ये सेंटर है, मैं एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, ये इस गॉसियन सरफेस पे मैं फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फार्मूला लगा दिया, फ्लक्स फाई, समझना, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया इस स्पीयर के अंदर, और आर डिस्टेंस पे चले गए, एरिया वेक्टर इधर आएगा और पोजीशन वेक्टर इधर आएगा, तो कॉस थीटा जीरो, फ्लक्स होता है ई, ए कॉस जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, और जब कभी भी चार्ज देते हैं तो अंदर में कोई चार्ज नहीं जाता है, तो यह आ जाएगा जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, अंदर में तो जीरो आ गया, बाहर में भी इसको गॉस थ्योरम से लगा सकते हो। कुल मिला के ये डेरिवेशन है यार। अगर ये स्पीयर है जिसके जिसपे मैंने प्लस चार्ज दे दिया, अब मुझे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या चाहिए बोलो, फील्ड चाहिए, तो मैं गॉस थ्योरम लगाता हूँ। गॉस थ्योरम कैसे लगाते हैं, चार्ज को बंद करते हैं, चार्ज को क्लोज करते हैं किसी सरफेस के अंदर, तो मैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस स्पीयर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस आर है, और ये हमारा गिवन स्पीयर है कैपिटल आर का। अब इस पॉइंट पर जो रेडियस वेक्टर है वो आर इधर जाएगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो थीटा जीरो आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा दो, गॉस थ्योरम क्या कहता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज आया इस स्पीयर के अंदर, ये जो गॉसियन सरफेस है टोटल चार्ज क्यू आ गया, बराबर है, और फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई, और एरिया 4πr² cos 0 आ गया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये एक मिनट, KQ ओवर आर का स्क्वायर, ये जो कि ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, मतलब बढ़ने से घटेगा, एक्चुअली कुल मिला के डेरिवेशन हो गया। चलो